और दोबारा बैठाई लौटत मैंने तो सारी घुड़िया रहा है कमजोर तो वो बैठा नहीं पाई जो का अकेले बैठा के लावा हम कहें जो मेरे पोता के बैठे हो हम उन बैठा वो सार उतारे ना तो हम कहें 20 रुपया ले लो हमका जम्मू का ट्रक घुमाई देगा पहले चलता था तो भाई बहुत अच्छी स्थान है बहुत अच्छा जगह लगा हमको बहुत अच्छी इसी मतलब जगह लगी। हेलो दोस्तों, जी का यूट्यूबर चैनल पे आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और देखिए जो है मैं आज नई जगह देख रही हूँ जो कि अपने मायके में आ चुकी हूँ। और हमारे पापा जो है वहाँ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए थे, वो वीडियो आप लोगों का तक पहुँच चुकी है, आप लोग देख भी चुके हैं। तो जो है दर्शन करने गए थे तो वहाँ से कल वापस आ चुके हैं, तो वही मैं उनसे मिलने आई थी। तो अभी आप लोगों को उनसे भी मिलाएंगे कि जे वहाँ पे कैसे क्या हुआ है, दर्शन कैसे किए कैसे नहीं, क्योंकि भतीजा भी गया था, मम्मी भी गई थी, तो तीनों लोग गए थे वहाँ माता जी के वहाँ। तो दोस्तों वहाँ पे ऐसी एक घटना घटी कि जो कि वो तो पापा ही बता सकते हैं। चलिए अभी आप लोगों को पापा से मिलवाती हूँ, सारी डिटेल वहाँ की आपको पापा ही बताएँगे। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम प्रजापति कास्ट के हैं, और जो कि हमारे वहाँ दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो उस त्यौहार में हमारे वहाँ डेली वेली बनती हैं। तो जो है आपको दिखाते हैं कौन बना रहा है हमारे वहाँ। और इतना हमको तो बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं, मगर हमारे छोटे भाई जी को बोलने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वही डेली बना रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। पापा अच्छे मौके पाएंगे, बोलो। तो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है सभी का जीव का यूट्यूबर चैनल में। और एक बार स्वागत आप लोगों का हो चुका है, लेकिन हमने सोचा दोबारा स्वागत कर दे, तो हो सकता है आप लोग वीडियो बढ़िया शेयर वेयर कर दें। और देखिए हम बना रहे हैं डेली, क्योंकि अब आने वाली है दीपावली और हम लोग प्रजापति हैं यानी कि कुम्हार। तो हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ ये काम होता है, डेली डी बनती है। और देखिए कैसे बनती है, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। देखिए ऐसे करके फिर पानी डालेंगे इसमें, फिर इसको ऐसे करेंगे, अब फिर यूँ पकड़ के इसको खींचेंगे ऐसे। ये उधर वाली देखिए, उधर दीपावली में जो है जो ये डेली बन रही है अच्छा खासा पैसा छपी अपनी है। हाँ तब किल्लत छपा रहा खूब, अब किल्लत जाकर छपे कि नहीं छपे कुछ दे हो कि नहीं। हाँ बिल्कुल, पहले छपे वो फिर सोचा जाए का दिन जी का प्लान बनी। तो आसपास के जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर डेली लेना होगा तो यहीं पे आना है ना, अब बोलो जल्दी जल्दी। तो ठीक है फिर दोस्तों, और जो है अभी पापा जी से मिलते हैं, कि अभी आप लोगों को बता ही दिया है कि वो बताएंगे उसके बारे में, तो अभी आ रहे हैं, अभी आप लोगों से मिलवाते हैं, देखते हैं क्या क्या कहते हैं। और बाकी इसके बारे में तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, अरे हम क्या, हम तो अभी चले जाएंगे, अब ये मेहनत कर रहे हैं, इसका मेहनत का सफल तो भाई समझ। और इधर दिखाइए चक्का कैसे घुमाते हैं, दूर से थोड़ा दिखाइए चक्का कैसे घुमाते हैं और कितनी मेहनत लगती है इसमें। ये हटा को मार ना दे। ये देखिए ऐसे न जाते हैं, पूरी दम निकल जाती है। ये फिर आप लोगों से मिलवाते हैं पापा से और पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ है, तो बता पापा। हाँ भाई दोस्तों, जीविका यूट्यूब चैनल देखने वालों को बहुत बहुत बधाई। हमने जो है माता जी के दर्शन करने के लिए जम्मू कटरा गए थे भाई, तो वहाँ चढ़ाई 18 किलोमीटर की थी। हमने चढ़ते 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 इतना थक गए थे कि बाई जा तीन पावदान बचे थे कि हमारी अचानक तबीयत खराब हो गई। फिर हमने बहुत ज़ोर से माता जी का नाम लिया और दर्शन करने के लिए फिर उत्साहित हुआ। माता जी ने ऐसा कोई चमत्कार दिखाया कि हमें तीन पायदान भी दिखाई ही नहीं पड़े कैसे हमने माता जी के चरणों में पहुँच गए। और देख कर हमें दर्शन करके बहुत ज़्यादा उल्लास हुआ और हम बहुत ही मतलब शरीर से बिल्कुल हर्षपुष्ट हो गए। इसलिए माता जी की कृपा से जो है, माता जी की कृपा से सब कुछ धनधाम शरीर बहुत अच्छा रहता है, घूमने जाने में बहुत ही अच्छा स्थान वहाँ पे है। उसके बाद हम वहाँ से फिर जो है नीचे कोयता से वापस आके आदि कुमारी के दर्शन किया और बाबा भैरवनाथ के दर्शन किया। फिर होते हुए हम लोग आए नीचे होटल पे, खाना खाया, आराम किया। उसके बाद आराम करने के बाद इतना थक गए थे कि
ये हम सारी रात ही सोए नहीं पाए। उसके बाद फिर दवा लेने गए हम लोग। दवा लेने के बाद वहाँ से फिर आराम आराम करके दो दिन बाद फिर तीसरे दिन हमने वहाँ बोलते हैं उसको, इसमें जान नहीं आ रहा है नाम हमका। दोस्तों नीचे आने के बाद हम लोग होटल में ठहरे, फिर खाना खाए। दूसरे दिन बस हमने की, बस से फिर सब लोग मिलके हम सिलीगुड़ी गए। और सिलीगुड़ी में आप चढ़ाई 6 किलोमीटर चढ़ के हमने अपने वाइफ को घोड़े पर बिठा के फिर पीछे पीछे हम जाके वहाँ पर पहुँच कर। तो पापा मम्मी फिर घोड़े पे कैसे? अरे ना पूछे, उठा उसको किनारे में ला के घोड़े पे खड़े किया, उसके बाद उनको बिठाया। अच्छा। और बिठाने के बाद फिर धीरे धीरे आगे आगे घोड़ा चला, पीछे पीछे हम चलते रहे। अच्छा, तो घर पर तो ज़्यादा दिक्कत रहा? अरे वहाँ फिर माता जी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं, आराम से चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से जाके वहाँ फिर गर्भ कुछ नहीं, दवा खा लिया था, घूमने नहीं चलती थी। इतना माता जी का आशीर्वाद है कि बाद मतलब जहाँ कमर दर्द होने लगती थी, जस्ट काम करने पे खेत चली जाए तब भी कमर दर्द, वहाँ माता जी के दर्शन करने में कोई कमर दर्द हुआ ही नहीं इनको। और राज तो गए थे? राज की हमारे बहुत गए थे, उसने बहुत हिम्मत की, 18 किलोमीटर चढ़ाई करी फिर गर्भ गुफा देखने के लिए। वहाँ भी गए गर्भ गुफा में, वहाँ भी सब देखा। उसके अंदर जाने के बाद ये हुआ कि मतलब बहुत ही कठिन दुर्बल रास्ता उसके अंदर गुफा के अंदर है। अगर उस पर झांकिए तो देखिए कहूँ सांप है कहूँ बिच्छू है। गर्भ गुफा में उसके बाद उसके अंदर देखिएगा तो बहुत सारे सांप, बहुत सारी हर चीज़ दिखाई पड़ती हैं। कहीं डर लग रहा है? हाँ बहुत डर लगता है वहाँ। और टप 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 पानी ऊपर से चुभता है, ठंडा पानी बिल्कुल। तो हम मरते हुए जवान रहते हैं, कहीं आपस में बोलिएगा नहीं, अगर आपस में बोलोगे तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन की कमी है। तो हम लोग वहाँ सर बोलना नहीं सुने और हमने बोला ही नहीं। फिर जाके गर्भ के अंदर हमारी वाइफ हमसे आगे थी, हमारे साले लोग और सराहस लोग सब भी आगे थे। तो वो लोग पर कोई कष्ट से कैसे वो लोग निकले हम उनको नहीं देख पाए, मगर जब हम उसके अंदर गए हैं तो हम ही जानते हैं कि जाने में कितना कष्ट हुआ। हम गए पहले चले गए, अब बाद में वहाँ नोहना भी पड़ रहा है, पहुड़ना भी पड़ रहा है, रस्सी पकड़ के जाना भी पड़ रहा है। तो हमारी एकदम से सांसें रुक गई। जब हमारी सांसें रुक गई तो हमने कहा जय भोले जय भोले जय भोले, तो जाके फिर उस राहत हमको आई। उसके बाद हमें यही महसूस हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो हमने कोई तरह से जाके जय भोले करके फिर भोले के दास के दर्शन किए, वहाँ पर जाके जल चढ़ाया। वहाँ पर एक इतनी बढ़िया धार निकल रही थी पानी की कि हमने उसको सर कर लिया कि सारा हमारा सर दर्द होना बंद हो गया। उसके बाद हमने जल चढ़ाया और जल में जो बचा शेष जल था उसको हमने उसी में थोड़ा सा भर लिया। भर के हमने उसको अपने घर लाए हैं भाई, घर ला के यहाँ पे रखा है। और उसके अंदर फिर जो है प्रसाद चढ़ा के फिर वहाँ के जो रहते हैं पंडित लोग, उन्हें बताया ये शेषनाग हैं, ये गौरी शंकर हैं, ये वो हैं, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं, मतलब हर चीज़ नंदी बाबा हैं सब दिखाया। महंगाई वहाँ क्या थी, कम जैसे कमला खाना है मसाला मान लीजिए तो 20 के 3 बिकते हैं, चाय इतनी ख़राब बिकती है 15 रुपये की 1 बिकती है, खाने में कोई टेस्ट नहीं, आलू खाली भरे समोसे के अंदर, कहीं समोसा ले लो समोसा खाओ तुम, आप बाहर से कुछ और है, अंदर पता लागल वे भरा खाली कोई तो मसाला है ही नहीं। लाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई रही। तो प्रसाद वहाँ हमने लाए केवल भैया भाई प्रसाद वहाँ बहुत महंगा मिलता है, मगर सब माता जी की कृपा से हमने सब कुछ अच्छा अच्छा सबको लिए लाया हूँ। किसी को कंगन लाया हूँ, किसी को माला लाया हूँ, इसी तरह से मतलब हमें हर लाल पहली बार गए थे तो हमें केवल यही था कि हम जाएंगे वहाँ। पहले लोग कहा करते थे भाई कि जम्बू कट्टा चलिए, वो कैसे गाना गाते थे कि वो बलमा बैला बिकाए चाहे घोड़ा बिकाए मगर हमको जम्बू कट्टा घुमा ही देगा, गाना पहले चलता था। तो भाई बहुत अच्छी स्थान है, बहुत अच्छा जगह लगा हमको, बहुत अच्छी सी मतलब जगह लगी। ये पिक्चर देखने वालों को मेरा धन्यवाद, सब लोग बराबर देखिए रहिएगा। चलिए और मम्मी से भी पूछते हैं, मम्मी से मिलाते हैं आप लोगों को, क्योंकि बेटा बन के जो चलो फिर आइए दोस्तों, जो है अपनी मम्मी से पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। कभी घोड़े पे तो बैठी नहीं है मगर अब बैठी होंगी तो आइए पूछते हैं। हाय घोड़े बैठे बतावे मुसलमान, अब बताओ जो जो कुछ हुआ है। कहीं घोड़े बैठे? हाँ मतलब जो जो कुछ हुआ है बताओ सर, कैसे गई हूँ कैसे बैठी हूँ। अगर पैदल चली रह नहीं चल पा नहीं चढ़ पाए तो फिर पापा इनके घोड़े बैठा दिन बैठ गए, पोता भी बैठा है भैया बहुत तेज लड़क रहा बहुत दिन का लड़ू लड़ाई जैसे गाठी ममरे, लेकिन खैर दिल भाई नहीं लाग कि चले गए वहाँ उतरे उतरे फिर दर्शन वर्शन भी बढ़िया आराम से भाई बहुत बड़ी रहा
चढ़ाई। अरे सुरंग में चढ़ैया नहीं रह जाता, वो मतलब उसके अंदर पहाड़ के अंदर या कुछ भी रहा, उसके अंदर अंदर जा पड़ा। बहुत अनेर कीड़ा बीछी, बहुत मतलब बहुत भयंकर रहा चढ़ाई अंदर। तुम अभी घोड़े बैठ रहा पालकी वाली थोड़ा? नहीं पालकी नहीं, पालकी नहीं बैठे रहा। हाँ घोड़ा बैठे तीन सौ रुपये पड़े रहा है एक बार क्या है। हाँ भैया खाली 300 रुपये पड़े रहा। और दोबारा हम बैठाई लौटत में नहीं तो सारी घोड़िया रहा है कमजोर, तो वो बैठा नहीं पाए का अकेले बैठा के लावा। हम कहें जो मेरे पोता ना बैठे हो तो हम उन बैठा वो सार उतारे ना, तो हम कहें 20 रुपया ले लो, हमका सीधे उतार दो। कहें ना उतार, हम कहें हम अभी उतरियो ना तो वही तुमका जबरदस्ती उतरे वो कहा 50 दियो, हम कहें 20 दिया, 20 रुपये का दे के उतर पड़े। मतलब हम बेमानी करें? हाँ अरे नहीं हमारा बिलियन नहीं बैठा हो रहा है कार रहा हमारा घुड़िया है जो है ना जो हम खाई तो हम कहते कहे बैठा ले रहा हूँ। यही सब बातें भैया रहा है बड़े मुश्किल में दर्शन में। और जो घुटना अरे वहाँ दर्द कर घुटना ना कमर के अब वो लौटे तो खाने जो हाँ बुखार है भैया। हाँ एक दिन ठकाने हम दर्शन नहीं कर पाए, पापा तो इनके कर लेंगे लेकिन हम नहीं कर पाए। माता जी के भैरव पापा हम माता जी के दर्शन कर लेंगे। चलो एक दो मत से एक लोग किए बहुत है, हम नहीं कर पाए, हम कर ही नहीं पाए। तो मम्मी दिखा तो कंगन लाल माला लाए भुजिया कंगन लाए खाना वो सब लोग आ जाओ अपने दमान के लिए ना लाइयो। अबे दमान तो देवे नहीं बहन जबकि पहले दमाद का सम्मान करें। पहले अगर दमाद रात में नहीं आए तो अब नहाई धोई सारा तबीयत ठीक होता तब तक नहाए हुए लेटे हैं, अब नहाई बस फिर दमाद सब देखा है मुहूर्त वूरत रखी है ना लाए ना शेर की सवारी मुहूर्त लाए माता जी की मुहूर्त लाए जहाँ कर नहीं पाए वहाँ मुहूर्त लाए तब नहाबे तो फिर लगे दमादो लिया दमादव सब लाए नहीं गले में पंजे वाला हाथ में मारने वाला। अरे वाह तब तो माँ गलगल है कैमरा पकड़ रहे हो। चलो अम्मा से मिली थे कि अम्मा इतने दिन मम्मी के बिना 8 दिन कैसे घर पर रही हैं और पूछा जाए इधर देखो अम्मा तुम मम्मी चली गई ना तो कैसे रही हो 8 दिन कैसे रहे कौन 4 दिन कटत रहा है और कैसे रहे न। तो अम्मा बता फिर जो है मम्मी और पापा चले गए थे माता जी के वहाँ तो आप कैसे घर पर रही होते थे? अरे भाई कैसे कटत रहा है ओके कबो मान पोता रहा है पतवा रहा है वही मुंह पे रहे अच्छा। और बहुत पानी भी आ कहाँ दिक्कत है बहुरी हमारी बढ़िया खूब बढ़िया अच्छा तब फिर ठीक है। अम्मा तुम्हारी खातिर मम्मी को लाई? अरे भाई वही हो हम बता तो वाले चुपते बता दी और तो बच्चे वाला वाला कुछ लाए हुए प्रसाद दे रहे हैं माला दे रहे हैं तो कुछ दे भाई। तो भाई हमारी मम्मी हमारी अम्मा जो है दादी जी तो मम्मी पापा के बिना इनको घर में जो है अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है, मगर वही हम पूछ रहे थे कि इतने दिन 8 दिन कैसे अम्मा के यहाँ घर पे बीते भाई, मगर बोल रहे हैं बहुरिया इनकी बहुत अच्छी हैं भाई हैं है? बड़का गुस्सा ही गए अरे तो वो बेचारी बता लड़ाई कर ली ठीक है चलो बढ़िया है।